नमस्कार, मैं जसप्रीत कौर, फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। उत्तर बंगाल के 3 छात्र शुक्रवार को यूक्रेन से पश्चिम बंगाल लौटे व शुक्रवार को दिल्ली एयरपोर्ट से बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरे। अरबीन क्षेत्री सिलीगुड़ी महाकमा के खोरीबारी क्षेत्र का निवासी है और लेविव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का दूसरा वर्ष का छात्र है। टर्नपिल मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रथम वर्ष के छात्र कमलकांत शाह मालदा के रहने वाले हैं तथा निष्ठा राय अलीपुरद्वार की निवासी किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के तीसरे वर्ष की छात्र है। देश के वाराणसी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दौरे के दौरान उनके काफिले को रोककर उन्हें काला झंडा दिखाने के विरोध में युवा तृणमूल कांग्रेस ने सिलीगुड़ी में विरोध प्रदर्शन किया। तृणमूल युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने शुक्रवार को सिलीगुड़ी के बागा ज्योतिन पार्क के सामने विरोध प्रदर्शन किया और योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाया। हॉकर्स पर होने वाले अत्याचार को तत्काल बंद करने की अपनी मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन ने आंदोलन तेज कर दिया है। संगठन के सदस्यों ने आरोप लगाया कि रेल विभाग हॉकर्स पर तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं व उन्हें विभिन्न मामलों में फंसा कर जेल में ठूस दे रहे हैं। इसके खिलाफ आज शुक्रवार को NGP में INTTUC की ओर से विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए DRM कार्यालय पहुंची। इतना ही नहीं, रेलवे DRM को संगठन की ओर से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। इस्लामपुर ग्राम पंचायत के मुखिया के खिलाफ शुक्रवार को ग्राम पंचायत कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इस मौके पर इस्लामपुर थाने के भारी पुलिस बल मौजूद रहे। किसी भी तरह की अप्रिय घटना को बचने के लिए पुलिस वहीं हाई अलर्ट पर रही। गौरतलब है कि इस्लामपुर ग्राम पंचायत में भाजपा के पास पूर्व में 8 सीटें थी। भाजपा के कार्यकाल के दौरान भाजपा प्रमुख सहित कई ग्राम पंचायत सदस्य भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके कारण भाजपा दल पंचायत में हार गया। भाजपा के 4 सदस्य और तृणमूल कांग्रेस के 4 सदस्य द्वारा प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दायर किया गया। यूक्रेन में युद्ध की भविष्यता के बीच अलीपुरद्वार जंक्शन के लेनिन कॉलोनी का एक छात्र अपने घर लौट आया। उसका नाम गौरव है और उसके पिता रेलवे में अधिकारी हैं। वह 2020 में डॉक्टरी पढ़ने गया था। इसके बाद गुरुवार रात घर लौटने पर उससे मिलने पहुंचे अलीपुरद्वार के भाजपा विधायक सुमन कांजीलाल। बेटे के घर लौटने से माता पिता बहुत खुश है। अलीपुरद्वार के कालचीनी इलाके में शुक्रवार को एक पेड़ में आग लग गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को कालचीनी चाय बागान से मेचपारा जाने वाले सड़क के किनारे एक पेड़ में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग को इस घटना की जानकारी दी। हेलमेटगंज के दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शुक्रवार को जलपाईगुड़ी के बाजरापाड़ा स्थित शारदा विद्यापीठ में हर साल की भांति इस बार भी एक कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल के विद्यार्थियों के हाथ में लिखकर पठन पाठन शुरू किया गया। यह जानकारी जलपाईगुड़ी शहर के शारदा शिशु तीर्थ के प्रधान ने दी। उन्होंने बताया कि यह एक संस्कार है। स्कूल की जितनी भी शाखाएं हैं, सभी जगह एक ही नियम है। उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम में भाग लेकर बढ़िया लग रहा है, इसके लिए शिक्षकों का आभार व्यक्त करते हैं। असम बांग्लादेश सीमा पर कोयले से लदे 4 ट्रक जब्त किए गए। तस्कर कार्बन पाउडर की आड़ में 4 में से 2 ट्रक में कोयले की तस्करी की जा रही थी। 4 ट्रकों को हिरासत में ले लिया गया। तलाशी में अंदर अवैध कोयला निकला। घटना में महाराष्ट्र के 2 निवासी समेत 4 ट्रक चालकों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें शुक्रवार को अलीपुरद्वार कोर्ट भेज दिया गया। फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए SK लाइव। कैनन पिक्समा इंक टैंक फोटो प्रिंटर, जिसके 6 कलर्स देते हैं बेहतरीन फोटो प्रिंटिंग एक्सपीरियंस, प्रिंट रिजल्ट्स जो लगे एकदम रियल, कॉन्ट्रास्ट,
आकर्षक चमकदार कलर्स में, प्रिंट्स जो चले 100 सालों तक, और इतना सब कुछ वो भी बेहतरीन कीमत पर। नया कैनन पिक्समा फोटो प्रिंटर 6 कलर्स इंक टैंक के साथ, ताकि आप हमेशा प्रिंट करें ब्रिलियंस। कैनन, डिलाइटिंग यू ऑलवेज। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी।